WGS सीतमपेटा पाठशाला आठवीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज मैं संज्ञा के बारे में बताना चाहती हूँ। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा पांच प्रकार है, वे है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और ए समुदाय वाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जानकारी देने वाली शब्द, उदाहरण है रमेश, गीता, अमरावती, ताजमहल आदि है। जातिवाचक संज्ञा किसी संपूर्ण जाति की जानकारी देने वाला शब्द, उदाहरण है लड़का, गाय, मेज आदि है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है किसी गुण, स्वभाव, दया की जानकारी देने वाला शब्द, उदाहरण मिठास, क्रोध, बुढ़ापा आदि है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी द्रव्य का किसी द्रव्य या विभिन्न धातुओं की जानकारी देने वाला शब्द, उदाहरण है घी, पानी, सोना आदि है। और समुदाय वाचक संज्ञा किसी विशेष समुदाय या समूह की जानकारी देने वाला शब्द, उदाहरण है मेला, सभा, गुच्छा आदि है। धन्यवाद।